बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड किचन। कैसे हैं व्यूअर्स? मैं ठीक हूँ। तो जी तो व्यूअर्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे फीडबैक भी देना है। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़े, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो कढ़ी तो मेरी तकरीबन रेडी है, ये देखें पक रही है माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। तो इधर मैं पकोड़े का सामान रेडी किया है, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पकोड़े बनाती हूँ और कैसे क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो मैंने खुला बर्तन लिया है, परात लिया, इसमें एक कप बेसन है अच्छे से मैंने छान लिया, इसमें से एक कप मैंने कढ़ी में डाला, वो भी मैंने सारी वीडियो बनाई, क्लिप्स बनाए हैं लेकिन वो साइलेंट पे है, मैं बोली नहीं हूँ। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये तीन अदद बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने इस साइज़ में कटिंग किया, और एक बड़े साइज़ का प्याज है। जितने आलू उतने प्याज लेंगे तो आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और इधर सूखे मसाले हैं, एक चम्मच भर की मेथी है, मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों में, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक है, नमक का सफेद रूट है जितना आपको पसंद है वो हम डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी है हाफ चम्मच, सूखा धनिया और ज़ीरा है, और टमाटर सब्ज़ी, घर में जो भी चीज़ें हैं वो मैंने बना ली हैं वो अभी डालूँगी। तो आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो बिस्मिल्लाह बढ़ते हैं, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, लंबा लंबा कटिंग की है, इस साइज़ में जैसा आपको साइज़ पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। मैंने हाँ अच्छे से वॉश कर लिए,
तो एक टमाटर है, कुछ सब्ज मिर्चे हैं। वैसे तो इसमें अगर मेथी थोड़ी सी डालें ग्रीन वाली वो डालें तो, वैसे तो इसमें मेथी डालें, पालक डालें, जो भी आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स हों वो डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं डाल रही हूँ। फ्रिज नहीं है तो इसलिए ज़्यादा देर धनिया पुदीना जो है वो रहता नहीं है। तो अभी हम ये सारे मसाले डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको हाथों की मदद से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें बेसन कम लगा तो हम बेसन और डालेंगे। इसको मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी जो है 10 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए। आलू और प्याज अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैं पानी के साथ इसका बैटर बनाऊँगी। देखिए माशाल्लाह से बैटर रेडी हो गया, मैंने कोई पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, और ये सारा पानी आलू और प्याज में थोड़ा टमाटर है, और इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है, एक्स्ट्रा पानी मुझे नहीं डालना। और इधर मैंने पैन में जो है वो ऑयल डाल दिया, ऑयल नहीं घी है, तो देखते हैं कि घी हमारा गर्म हुआ कि नहीं। हाँ जी, घी हमारा फुल गर्म हो गया, तो अब हम छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे। कढ़ी हमारी रेडी हो गई है, कढ़ी हम जो है वो मिलाए हमारे में उतार चुके हैं कढ़ी जो है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने पकौड़े। बिस्मिल्लाह बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में है, बहुत ही यम्मी मज़ेदार, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, दादी बनाती थी, सेम वैसे ही है रेसिपी। अगर इसमें अंडा डाल दें तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। मेरे पास गर्मी अंडे अभी नहीं है, ऑयल जितना गर्म होगा उतने अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। फुल आंच करके, फ्लेम को फुल करके आपने जो है वो ऑयल गर्म करना है, फिर जब पकौड़े डाल लेंगे तो फ्लेम जो है वो स्लो कर लेंगे। इस तरह मैं सारे व्याज निकाल लूँगी और साथ साथ ही हम अपनी कड़ियाँ भी डाल दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जो है वो अच्छे से करारे हो गए हैं। तो अब हम इनको निकालते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इनको निकालते हैं और इनको डालते हैं कढ़ी में, हमारी मज़ेदार यम्मी सी कढ़ी में। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी और यम्मी पकौड़े निकल आए हैं। तो दूसरा बैच जो है वो मैंने शामिल कर दिया। अभी जो हमने कढ़ी पकौड़े निकाले वो हम कढ़ी में शामिल कर देंगे। और इनको मिक्स कर देंगे ताकि कढ़ी जो है वो उसको अच्छे से जज़ब कर ले। जी तो वीवर, अब हम पकौड़े हमारे बन चुके हैं, तो अब हम तड़का लगाएंगे। हाफ़ चम्मच ज़ीरा, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच लाल मिर्च और 3 सब्ज़ मिर्चों का हम तड़का लगाएंगे ऑयल में। हाँ जी, तड़का हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम कढ़ी में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, कढ़ी का कलर कितना ज़बरदस्त।
जबरदस्त आया है। हाँ जी व्यूअर, अब हम सूखी मेथी जो है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारी मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा रेडी है पंजाबी स्टाइल में। बिल्कुल देखें शक्ल कितनी ज़बरदस्त आई है।